हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम दुकान में जिस तरह से मिठाई बनता है, हलवा स्टाइल मिठाई, एकदम मार्केटों वाली। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। ये पहले से थोड़ा सा चाशनी बना हुआ था, इसमें हम थोड़ा सा चीनी दे करके चीनी को थोड़ा सा मात्रा बनाएंगे, लगभग 1 किलो चीनी का, और इसमें थोड़ा पतला चाशनी बनाएंगे। तो इसलिए हम जुगाड़ू मिठाई बता रहे थे। तो इसमें हम सबसे पहले 1 लीटर पानी डाल दिए हैं, और इसमें 200 से 250 ग्राम हम चीनी डालेंगे। जो हमारा दुकान है, मिठाई दुकान है, जो बनाता है दुकानदार लोग, कि थोड़ा सा बचा हुआ चाशनी रहता है उसमें कैसे बनाता है, तो उसी तरह से हम, और ये चीनी को हम गला करें, ये हमारा फ्रेश हो जाएगा। जितना देर में हमारा चीनी गल रहा है, उस बीच हमारा छेना, ये हमारा मार्केट से लाया हुआ छेना है, मार्केट में अवेलेबल, बहुत ऐसा जगह है मार्केट में छेना मिलता है। अगर दूध का परेशानी हो तो छेना का भी बना सकते हैं। तो हम छेना का आज मिठाई बनाना आपको सिखाएंगे, किस तरह से दुकान में फेट पे मिठाई बनाता है। ये हमारा क्वांटिटी में लगभग लेते हैं तो 200 ग्राम हमारा ये छेना है। छेना को अच्छी तरीके से हम पीस लेंगे पहले, इस तरह से हम छेना को तरथी से पीस लेंगे। छेना एकदम हमारा ठंडा है पूरा, लगभग 1 मिनट तक हमारा छेना पूरा चिकना हो जाना चाहिए। हमारा उस तरफ चाशनी भी तैयार हो रहा है, बीच बीच में हम चीनी गला के चला के देख लेंगे। तो ये हमारा छेना पिसा गया है, अब इसमें हम, हमारा मार्केट का छेना है इसीलिए सबसे पहले हम इसमें 1 चुटकी में इलायची पाउडर इस्तेमाल करेंगे। 1 से 2 इलायची का पीस करके डाल सकते हैं। तो हम 1 चुटकी इलायची पाउडर इस्तेमाल किए सबसे पहले। थोड़ा सा हम चीनी, लगभग खाने वाला चम्मच से आधा चम्मच चीनी इसमें डाले हैं हम। 1 चम्मच हम इसमें सूजी इस्तेमाल कर रहे हैं, सूजी हमारा डालने से थोड़ा सा जाल बनाएगा। और खाने वाला चम्मच से 1.5 चम्मच, अगर क्वांटिटी में आते हैं तो थोड़ा सा लगभग 7 से 8 ग्राम के अंदाज 1 चुटकी मीठा सोडा डालेंगे इसमें हम, एकदम नाम के बराबर। जो हमारा सूजी दिए फैलाएगा, थोड़ा सा सूजी डालने से चिमर भी होता है, जाल भी होता है, तो इसीलिए हम, और थोड़ा सा इसमें मैदा, खाने वाला चम्मच से 1 चम्मच मैदा इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा 1 चम्मच मैदा है, इसको सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। लगे इस तरह से मिलाना में 1 मिनट लगेगा, हम 1 मिनट तक मिला लेंगे इसको। इसको मिलाने के बाद थोड़ा सा हम फूड कलर डालेंगे, ये हमारा केसरिया रंग है ये हमारा, इसमें थोड़ा सा डाल करके मिक्स कर लेंगे हम इसको अच्छी तरीके से। फिर कलर डालने के बाद भी उसको मिला लेंगे अच्छी तरीके से। और क्रीम चॉप या बनारसी चमचम इसका हम बना सकते हैं। ये हमारा अच्छे तरीके से, ये लगभग 200 ग्राम का गोला तैयार हो गया। हम शादी में हम बहुत मात्रा में भी बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा है आपके, आपको बताने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो इसको छोटा छोटा गोला तैयार कर लेंगे, तो इस तरह से हम लेंगे इसको और हाथ के सहारे से इस तरह हम गोला तैयार कर लेंगे एक साइज में। अगर इससे छोटा बनाना चाहते हैं तो आप छोटा भी बना सकते हैं, अगर इससे बड़ा बनाना चाहते हैं इससे बड़ा भी बना सकते हैं। ये हमारा चीनी गल चुका है, इसमें थोड़ा सा दूध पानी देंगे हम इसको साफ़ करने के लिए, जो काला काला है एकदम फ्रेश हो जाएगा। ये हमारा दूध है, दूध डायरेक्ट नहीं डालेंगे, दूध डालेंगे तो फिर फट जाएगा, गंदा जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी हम डाल करके ऐड करेंगे और धीमे में इसको गंदगी जमने देंगे हम, कि हमारा ये जितना खोलेगा ये गंदगी हमारा जम जाएगा। और उस बीच हम जो गोटी तैयार किए उसको हम गोली बना लेते हैं, जिस प्रकार का मिठाई बनाएंगे। एक थाली ले लिए, थाली के पीछे भाग उल्टा कर रख दिए हैं, और इस तरह से हम एक गोटी उठाएंगे और इस तरह से हाथ के हल्के हाथ से इसको गोल करके और हल्का इस तरह से हम कर देंगे। ये हमारा बनारसी चमचम हो गया, इस तरह से हम सब गोलियां लेंगे। इसमें आप वाइट भी बना सकते हैं या फिर आप अपने अनुसार कलर इसमें इस्तेमाल कर करके बना सकते हैं। सारा गोली तैयार करके हम रख लिए हैं, और उस बीच हम चीनी का गंदगी भी देख लेते हैं चाशनी का। तो हमारा चाशनी का गंदगी तैयार हो गया है, ये हमारा चाशनी की गंदगी ऊपर आ गया है, इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे हम। इसको थोड़ा सा गैस तेज कर लिया,
और चाशनी एकदम बिल्कुल पतला है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। अब इसमें हम हमारा गोलिया हुआ मिठाई उसको छोड़ेंगे, ये हमारा सारा मिठाई इसमें छोड़ देंगे। और इसको इसी तो में एकदम ढक करके, जैसे चाशनी के अंदर पूरा ढका हुआ, अगर अच्छी तरीके से नहीं ढकता है तो इसमें हम एक चुटकी मैदा घोल के डालेंगे, जो लट्ठापन से ये हमारा मैदा देख सकते हैं, इसको इस तरह से लेंगे और थोड़ा सा प्लेन पानी में हम घोल के देंगे, जो हमारा ये फैन बनेगा और ये झपा हुआ रहेगा। ये अच्छी तरीके से नहीं झपेगा तो ये आपका मिठाई अच्छी तरीके से नहीं खिलेगा, इसीलिए इसको झाँपना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम लिक्विड मैदा का इस तरह से हम डालेंगे इसमें, और डालने के बाद देख सकते हैं आप पूरा झागा गया। अब इसको इसी प्रकार से हम पकाएंगे, बीच बीच में एक दो मिनट के बाद हम थोड़ा सा इस तरह से चला लेंगे इसी से, अभी तुरंत डालें तो इसलिए अभी नहीं चलाएंगे, इसलिए आपको होने देते हैं। ढकना नहीं है लेकिन चाशनी से एकदम ढका हुआ, जैसे चाशनी के अंदर मिठाई नज़र नहीं आना चाहिए, नीचे बैठा हुआ रहना चाहिए। इसको इसी तरह से ढक करके 20 से 25 मिनट तक पकने देंगे, जब पक जाएगा तो हम मिठाई दिखा देंगे किस तरह से, आपको पता चलता है कि हमारा रसगुल्ला सीज चुका है तो हम भी दिखा देंगे। तो अभी इसी तरह से लगभग बीच में एक दो मिनट के बाद इसको थोड़ा सा चला लेंगे, जैसे चलाना किस तरह से तो इस तरह से चला लेना कि हमारा मिठाई कटे नहीं, इस तरह से चला लेंगे। हमारा देख सकते हैं कुछ मिठाई फैला है लेकिन और फैलेगा ये, तो लगभग ही हमारा 5 मिनट हो चुका है। इस तरह से हम इसको चला लेंगे आराम से, थोड़ा से इसी से हम चाशनी निकाल लेंगे, जो इसको मिठाई सिज जाने के बाद निकालेंगे तो चाशनी हमारा थोड़ा ठंडा हो जाए। इसी तरह से हम इसमें से थोड़ा सा गाढ़ा चाशनी निकाल लेंगे हम, तो ये हमारा जितना देर में ये हमारा मिठाई पक रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, जब सिज जाएगा तो थोड़ा पानी मिलाएंगे तो पतला होगा, इसीलिए हम इस तरह से चाशनी निकाल लिया और ठंडा होगा। सीजने के बाद ये हमारा मिठाई उसी में निकाल के रखेंगे, तो हमको चेक करना है किस तरह से देखेंगे, तो इस तरह से हम एक मिठाई निकालेंगे और हम इस तरह से देख सकते हैं, तो थोड़ा सा इसमें कसर है, तो कसर कैसे पता चलता है तो हम थोड़ा नॉर्मल पानी में देख सकते हैं, और ये थोड़ा हार्ड है तो थोड़ा सा हम पानी दे करके, पानी में हिल नहीं रहा है, बैठ गया है, इसलिए थोड़ा सा हमको और सिझाना है। तो फिर हमारा 5 मिनट के बाद फिर से एक मरते इस तरह से चला लेंगे, और हमारा अभी टोटल लगभग 12 से 15 मिनट हो चुका है, और ये हमारा देख सकते हैं लगभग होने के तगाड़ पे हो चुका है, तो इसको 5 से 7 मिनट और चला लेंगे। और जब हमारा अगर लगता है कि थोड़ा सा चाशनी हमारा गाढ़ा हो गया तो चाशनी में इस तरह से हम चाशनी उठाएंगे और थोड़ा सा प्लेन पानी ठंडा या सुसुम पानी भी दे करके इसको धीरे धीरे हम इसमें बढ़ाएंगे। इससे होता है क्या, जो हमारा मिठाई का जो साइज है वो बरकरार रह जाता है। इस तरह से देंगे हम, अब देख सकते हैं हमारा गोली कितना बड़ा था, मिठाई कितना जस्ट डबल हो गया। इसी प्रकार से 3 से 4 बार हम करेंगे और इसी तरह से चलाएंगे, या फिर धीरे धीरे इस तरह से आप अगर वैसे नहीं कर सकते तो आप धीरे धीरे इस तरह से आप दे सकते हैं, कि हमारा दोनों तरीके अपना जो भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी देने के बाद इस तरह से चला लेना है, फिर इस प्रकार से आपको पानी देना है। ये हलवाई का स्टाइल हो गया, ये दुकान में या शादी ब्याह में बनाता है, तो जो हम जुगाड़ू मिठाई बताएं तो बस वही सी थोड़ा सा चाशनी बचा हुआ रहता है, चीनी मिला करके फ्रेश कर लिए और मिठाई बनाना है। तो दुकान में रेगुलर दुकान में जो 365 दिन जो कारोबार होता है तो इसी प्रकार से आज जो चाशनी बनाए बच जाता है तो उसको फेंक थोड़ा यूज करना है, तो इसी प्रकार से फ्रेश करने के लिए अगर 10 किलो चीनी का चाशनी बचा होता है तो 4 किलो चीनी मिला करके हम मिठाई बना लेता है। तो इसी प्रकार से हमारे पास 1 किलो चाशनी का था तो 250 ग्राम चीनी डाल करके हम उसको फ्रेश कर लिए और हमारा ये परफेक्ट मिठाई तैयार हो जाता है। ये हमारा लगभग 20 से 25 मिनट हो चुका है, इस तरह से हम चला लिए हैं और थोड़ा सा इसको पानी ठंडा पानी एक बैग दे देंगे हम,
इस तरह से जो हमारा बैठ जाएगा पूरा। और ये हमारा मिठाई लगभग देख सकते हैं आप सिज गया है, तो इसको थोड़ा सा पानी दे करके हम इसको बैठा देंगे इस तरह से। और गैस निकाल करके हम जो चाशनी निकाल के रखे थे उसमें हम निकालेंगे इस मिठाई को। गैस को आप कम कर दिए हैं, ये आप बुता भी सकते हैं। देखिए ये हमारा परफेक्ट सीज गया है। अगर नहीं सीजेगा तो यह हमारा जो इस तरह से हम मिठाई रखे हुए हैं तो हमारा ये चुटकेगा नहीं। तो इस तरह से हम अब सबको एक्स्ट्रा चाशनी में जो हम निकाल के रखे हैं तो उसको कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से हम निकाल करके और इस तरह से इसमें डाल देंगे। इसमें पानी डालने के बाद थोड़ा सा ये चाशनी पतला हो जाता है, तो थोड़ा हार्ड चाशनी में रखेंगे, जो कल अगर सर्व करेंगे तो थोड़ा खड़ा रहेगा, नहीं तो मिठाई छुटक जाएगा, इसीलिए इस तरह से हम रख देंगे। तो ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। ये हमारा सारा मिठाई निकल चुका है, दो चार पाँच मिनट के बाद इसको थोड़ा सा हम इस तरह से चला लेंगे, इसको ठंडा होने तक का इंतज़ार करते हैं। हाँ, ये हमारा मिठाई अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। अब इसको फाइनल में आएंगे तो इसके लिए हम क्रीम तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले इसको रहने देते हैं। ये हमारा अच्छी तरीके बहुत अच्छी तरीके से ठंडा गया। सबसे पहले ये मेरा जो घर में यूज करते हैं दूध डेली का, या पैकेट वाला भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा लगभग 500 ml दूध है। धीमा था, इसको हम दूध को जला के सुखा देंगे एकदम, जो राबड़ी की तरह होता है उसी तरह प्रकार से करेंगे। और जल्दी करना है तो थोड़ा सा हम बाहर से मावा ला करके वो डाल देंगे, हमारा जल्दी हो जाएगा। तो हम फिलहाल दूध का ही करेंगे, तो दूध को जलने देते हैं। और जैसे जैसे हमारा क्रीम होगा बीच बीच में इस तरह से हम चलाते रहेंगे। आप इस बर्तन में भी कर सकते हैं या फिर किसी मोटे तले की कढ़ाई में भी कर सकते हैं। तो हम इस तरह से इसको चलाते चलाते इसको गाढ़ा कर लेंगे। हम राबड़ी को थोड़ा जल्दी बनाएंगे। तो ये हमारा मार्केट का मावा लाया हुआ है, उसको थोड़ा सा ग्रेस कर करके कद्दूकस से हम इसमें डाल देंगे, जल्दी हमारा हो जाएगा। इस तरह से कद्दूकस से क्रश कर लेंगे और दूध में हमारा जल्दी मिक्सर हो जाएगा। या फिर खोआ को भी थोड़ा सा दूध मिला करके इसको मिक्सी में पीस करके भी क्रीम आप बना के दे सकते हैं। तो हम आपको क्रीम किस प्रकार का बनता है उस प्रकार से बनाना आपको बताना चाह रहे थे, इसीलिए हम क्रीम ये बना रहे हैं। नहीं तो आप रेडीमेड खोआ ला करके भी क्रीम बना करके थोड़ा सा सुसुम दूध में घोल करके आप यूज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारा दूध अच्छे तरीके से उबल चुका है। अब इसमें हमारा मार्केट का मावा सब डाल देंगे, और डालने के बाद इसको चलाना छोड़ेंगे नहीं, काहे थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है और मावा डालने से और थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे हम। और इसमें एक चुटकी मीठा सोडा इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा यह क्रीम चिकना हो, दाना दाना नहीं करना है। और डालते हाथ इसी तरह से हमको चलाते रहना है, चलाना इसको भूले नहीं, राबड़ी की तरह हो जाएगा एकदम गाढ़ा। तो इसको हम गैस बुता देंगे। ये हमारा क्रीम गाढ़ा हो चुका है, इसको उतार देंगे, ठंडा नहीं हुआ थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। तो गैस को सबसे पहले हम बुता दिए, इसको एक बर्तन पे रख लिए हैं, इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे, जल्दी हमारा सेट हो जाएगा। तो हम इस बर्तन में थोड़ा ठंडा पानी ले लेंगे, हमारा बहुत जल्दी क्रीम ठंडा हो जाएगा। और इसको चलाते रहेंगे, तो हमारा इस तरह से चलाते रहेंगे। और इसमें थोड़ा सा हम मीठा के लिए चीनी डाल देंगे, अभी गर्म है, जो हमारा चीनी पिघल भी जाएगा, गर्म में चीनी हमारा गल जाएगा, जो थोड़ा बहुत पतला होगा देख लेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और हमारा क्रीम अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से चला चला के, अब इसमें कोई कलर देना है तो कलर, लेकिन हम कलर नहीं देंगे, वाइट देंगे ही। जब ये हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हम वेनीला एसेंस इस्तेमाल करेंगे, या आप केसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी गर्मी के मौसम है तो हम केसर इस्तेमाल नहीं करके वेनीला एसेंस और इलायची पाउडर इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है, अब इसमें थोड़ा सा वेनीला एसेंस फ्लेवर के लिए डालेंगे और इलायची। तो वेनीला एसेंस 2 से 3 बूंद डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस एक चुटकी इलायची पाउडर हम डाल दिए हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हम अच्छी तरीके से मिला चुके हैं, इसको हल्का हाथ से हम दाब लेंगे, जो इसका एक्स्ट्रा रस है निकाल लेंगे। और इसको फिर इस तरह से हम
एक को लेंगे और इस तरह से हम लगा देंगे। तो बारी बारी सबको कर लेंगे उसी प्रकार से, या तो फिर एक तरह से हम सबको एक तरह से निकाल के रख लेते हैं, हम हल्का का हाथ से गाड़ के, करना हमारा आसान होगा। इस तरह से फिर हम सबको लगा लेंगे। इसमें थोड़ा सा खाने वाला फूड कलर केसरिया, उसमें एक से दो बूंद रंग घोड़ करके, कलर घोड़ करके इसको हल्का हल्का मिला लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टीका दे देंगे, जब उसका मिठाई की खूबसूरती बहुत बढ़िया लगेगा। बारीक कटा हुआ पिस्ता है, दो दो पीस पे डाल देंगे, बस इस प्रकार से, मात्रा में नहीं डालना है। ये हमारा आपके बीच मिनी बनारसी मलाई चमचम रेडी हो गया है। कुछ नए रेसिपी के साथ हम आपके बीच हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।